स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएस एजुकेशनल ग्रुप। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट रीड करेंगे। ओके, टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ओके, आपको अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालनी है। ओके, नाउ ओपन दिस बुक एंड लुक एट पेज नंबर 11। 11 पेज नंबर 11 आपको निकालना है। ओके, आज हम कौन सा लेटर रीड करने वाले हैं एंड राइट करने वाले हैं? कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ई, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर एफ। ओके, ई आफ्टर एफ। ओके, एंड आपके पास इससे ही रिलेटेड कुछ यहाँ पर स्पेलिंग्स हैं, वो भी आपको कंप्लीट करनी है। वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले फर्स्टली हम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ई एंड एफ राइट करना सीखेंगे। हाउ टू राइट कैपिटल लेटर ई, स्मॉल लेटर ई, कैपिटल लेटर एफ एंड स्मॉल लेटर एफ। ओके, हमने इन प्रीवियस क्लास हमने रीड किया है, राइट किया है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। कौन कौन सा हमने राइट कर लिए हैं, रीड कर लिए हैं? ए लेटर कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी लेटर कैपिटल बी, स्मॉल बी, सी लेटर कैपिटल सी, स्मॉल सी, डी लेटर कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। ये लेटर इन प्रीवियस क्लास में हमने रीड एंड राइट कर दिए हैं एंड आई होप आपने अपनी बुक्स में भी इसे कंप्लीटली वर्क कंप्लीट आपका किया होगा। ओके, नाउ आज हमारा लेटर है ई एंड एफ, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ई एंड एफ। ओके, ई फॉर एग, ई फॉर एग भी होता है, ई फॉर ईगल भी होता है, ई फॉर इग्लू, सॉरी ई फॉर इंजन भी होता है, वगैरह वगैरह कई सारे वर्ड्स होते हैं ई से रिलेटेड। ओके, नाउ हाउ टू राइट कैपिटल लेटर ई। कैपिटल लेटर ई हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से राइट करते हैं? फर्स्ट थिंग, आपका कैपिटल लेटर होता है लाइक दिस। ओके, ये आपका होता है कैपिटल लेटर। अब हम इसको किस तरीके से राइट करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, इजीली स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन सेकंड स्लीपिंग लाइन एंड लास्ट स्लीपिंग लाइन। ओके, इजीली आपका कैपिटल लेटर ई कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ हमारे पास जो फोर लाइन कॉपी है आपकी, इसमें आपको क्या करना है, डेट मेंशन करनी है आपको, उसके ऊपर टॉपिक पर आपको कैपिटल लेटर ई, स्मॉल लेटर ई मेंशन करना है। उसके बाद आपकी जो लाइन है उन लाइंस में, आपकी फोर लाइन की जो कॉपी है उनको काउंट करके आपको आपके लेटर को लाइन टू लाइन आपको लिखना है। ना आपको ऊपर लिखना है, ना नीचे लिखना है, ना लाइन के आउटसाइड लिखना है, आपको ओनली लाइन लाइन में ही मेंशन करना है उसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट लाइन से, जो हमारी फर्स्ट लाइन है उससे हमें थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन राइट करनी है। ओके, क्या करना है, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक हमने स्टैंडिंग लाइन ड्रो किया। ठीक है, हमारा स्टैंडिंग लाइन ड्रो हो गया है। आफ्टर दैट फर्स्ट लाइन में हमें स्लीपिंग लाइन ड्रो करना है लाइक दिस। ओके, वन स्लीपिंग लाइन, सेकेंड लाइन में स्लीपिंग लाइन एंड थर्ड लाइन में भी स्लीपिंग लाइन। हमारा ई लेटर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमारा ई लेटर कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ हाउ टू राइट स्मॉल लेटर ई। ये हम स्मॉल जो लेटर्स है वो आपके एलकेजी में आते हैं, तो आप ये पहली बार ही पढ़ लो ये सब कुछ, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर्स वगैरह। तो हाउ टू राइट स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर का कुछ नहीं है, ये आपके अगर लाइन है तो आपको इन दोनों लाइन्स को टच करते हुए, इन दोनों लाइन्स को टच करते हुए आपका लेटर ई कंप्लीट करना है, स्मॉल लेटर ई कंप्लीट करना है। ओके, लुक एट द ब्लैक बोर्ड कैरफुली। आपको फर्स्टली यहां पर इन दोनों के सेंटर पर
छोटी स्मॉल स्लीपिंग लाइन करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉर्नर से ऊपर को लाइन टच करते हुए नीचे वाली लाइन को आपको टच करना है लाइक दिस, ओके। ये आपका ई लेटर ईसीडी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसको लाइन्स में किस तरीके से लिखेंगे, अपनी फोर कॉपी में आपको फर्स्ट लाइन यूज नहीं करनी है और आपको लास्ट वाली लाइन भी यूज नहीं करनी है, आपको ओनली टू लाइन यूज करनी है, सेकेंड एंड थर्ड। मोस्टली जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो सेकेंड और थर्ड लाइन के अंडर ही यूज होते हैं, ओके। कुछ लेटर्स है जो कि फर्स्ट लाइन के अंदर ही यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ई लेटर के लिए आपने स्लीपिंग लाइन किया, ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए नीचे लाइन को टच किए, या आपका ई लेटर कंप्लीट हो गया है, ओके। ई लेटर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, स्लीपिंग लाइन ऊपर ले जाते हुए नीचे कंप्लीट करना है, आपका ई लेटर इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ओके। नाउ एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश होता है, एफ फॉर फ्लावर भी होता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हमने नर्सरी क्लास में कैपिटल लेटर्स तो रीड किए हैं बट स्मॉल लेटर नहीं किए, स्मॉल लेटर हम अब रीड कर रहे हैं एलकेजी में, ठीक है। तो आपका एफ फॉर फिश भी आपको बिल्कुल ई फॉर जो एग है उसी की तरह बनाना है बिल्कुल, बस उसमें थोड़ा चेंजेस है, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। आपको एफ फॉर फिश होता है लाइक दिस, आपका ये एफ फॉर फिश होता है, ठीक है। क्या करना है, सेंडिंग लाइन फर्स्ट कॉर्नर पर टच करेंगे पेंसिल, स्लीपिंग लाइन सेंटर पर रखेंगे अगेन स्लीपिंग लाइन, ये आपका बन गया एफ फॉर फिश। तो आपको इसमें भी आपकी थ्री लाइन ही यूज होगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आपकी तीन लाइन ही यूज होगी इसमें, लास्ट वाली लाइन को टच नहीं करना है। फर्स्ट लाइन से होते हुए आपको थर्ड लाइन को टच करना है विद स्टैंडिंग लाइन, फिर आफ्टर दैट स्लीपिंग लाइन, अगेन सेकेंड लाइन में स्लीपिंग लाइन। आपका कैपिटल लेटर एफ कंप्लीट हो गया है, स्मॉल लेटर एफ का आपको क्या करना है, इसमें आपकी थ्री लाइन यूज होगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आपकी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपकी लाइन इसमें यूज होने वाली है, ओके। क्या करना है, फर्स्टली आपको यहां से आपको थर्ड लाइन से इसका यूज करना है, आपको थर्ड लाइन को थर्ड लाइन से होते हुए आपको ऊपर के साइड पर टर्न करना है लाइक दिस, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे से आपको ऊपर के साइड पर लाइक टर्न करना है लाइक दिस, ठीक है, और सेंटर से स्लीपिंग लाइन क्रॉस करनी है, ओके। क्या करना है आपको, नीचे से ऊपर के साइड टर्न करना है एंड सेकेंड लाइन से क्रॉस करना है, ठीक है। सेकेंड लाइन से क्रॉस कर देना है, आपका स्मॉल लेटर एफ कंप्लीट हो गया है, ओके। नाउ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपके पास इसमें पेज नंबर आपको फर्स्टली 11 निकालना है, ठीक है। 11 निकालने के बाद आपको इसमें क्या करना है, कैपिटल लेटर ई जो कि बॉक्सेस बने हुए हैं आपको इनको पूरा कंप्लीट करना है, आपको इन बॉक्सेस में कैपिटल लेटर ई अपना कंप्लीट करना है, स्मॉल लेटर आपका ई इस वाले बॉक्सेस में कंप्लीट करना है, फिल इन द बॉक्स, ओके। नाउ आपको एफ एफ लेटर है जो कैपिटल लेटर एफ है वो आपको इस वाली लाइन में फिल करना है एंड स्मॉल लेटर एफ इस वाली लाइन में फिल करना है, ओके। नाउ कैपिटल लेटर ई के जो कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करती हूं, ठीक है। कैपिटल लेटर ई के वर्ड्स किस चीज में यूज होते हैं, उनसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो ई लेटर से रिलेटेड, ओके। लाइक कैपिटल लेटर ई से होता है ई फॉर इंजन, ई फॉर एग, ई फॉर ईगल, ई फॉर एट,
लाइक हम काउंटिंग टर्न करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कैप स्मॉल लेटर से E4 8। ठीक है, अभी हमारा जो आज का एक्शन वर्ड है ई से इरेज करना। इरेज करना क्या होता है, आपका एक्शन वर्ड क्या होता है ई से, मैं आपको बता दूं। लाइक अगर आई हैव अ डस्टर, ओके, ये हमने इसको यहाँ से मिटाया, इसको यहाँ से इरेज किया हमने, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, एक्शन के साथ हम इसको यूज कर रहे हैं, हमारा एक्शन वर्ड हो जाएगा, हमने इस चीज को इरेज किया। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है E4 इरेज करना, E4 इरेज करना यानी मिटाना। ओके, आपसे कॉपी में अगर मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप अपने लिखे हुए वर्ड्स को इरेज करते हो ना, ताकि हम प्रॉपरली और अच्छा राइट कर सकें। तो उसी तरीके से E4 इरेज करना हमारा आज का एक्शन वर्ड है। ओके, हमारा ई वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अब हम आएंगे एफ वाले पोर्शन पर। ओके, अब हमारा एफ वाला पोर्शन है, उसमें हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर एफ आपको इस साइड फिल करना है। ओके, स्मॉल वाला एफ जो कि आपका लेटर है वो आपको इस वाले बॉक्स में, ग्रीन वाले बॉक्स में फिल करना है। ठीक है, अब हम एफ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देख लेंगे, लाइक एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी। ठीक है, एफ फॉर फॉक्स, ठीक है, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लावर भी होता है, ठीक है, फ्लावर यानी फूल, यस, ठीक है, एफ फॉर फिश, फिश यानी मछली, ठीक है, एंड एफ फॉर फाउंटेन। ठीक है, आज का हमारा एक्शन वर्ड है एफ से रिलेटेड, वो है फॉल। ठीक है, एफ फॉर फॉल। ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड सी पेज नंबर 12। आपको अब अपने पेज नंबर 12 पर आना है। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट से द वर्ड। लुक एंड राइट, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट से द वर्ड। आपको क्या करना है, जो भी आपके यहाँ पे पिक्चर है, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको लेटर ई का यूज करना है और उस स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसे बोलना भी है, बोलते हुए उस वर्ड को कंप्लीट करना है। ओके, और आपके ई लेटर का उसको इसमें यूज करना है। ओके, ई या एफ जो भी आपके पिक्चर्स है, सो लुक एट हियर, ये 8 बना हुआ है। मैम ने अभी आपको काउंटिंग लर्न कराई है, अभी मैम ने काउंटिंग बोला है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका 8 आया है। तो E से 8, E I G H T, 8। ठीक है, सेकंड पिक्चर इज ईगल, ये आपको ईगल, ये आपकी पिक्चर कौन सी है, ईगल, E4 ईगल। ओके, तो ईगल की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ ईगल, फर्स्टली हमें यहाँ पे लेटर ई ड्रॉ करना है, राइट करना है। अब हम स्पेलिंग को लर्न करेंगे, ई ए जी एल ई, ईगल, E4 ईगल। ओके, थर्ड पिक्चर है हमारी, ये क्या है, कौन सी पिक्चर आपको दिख रही है, ये इंजन, E4 इंजन, एंड व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ इंजन, इंजन स्पेलिंग इज, यहाँ पे सबसे पहले आपको ई लेटर ड्रॉ करना है, उसके बाद स्पेलिंग लर्न करनी है, ई एन जी आई एन ई, इंजन, वो पूरी आपकी कंप्लीटली कौन सी स्पेलिंग हो जाएगी, E4 इंजन। आपको 8, ईगल और इंजन, इन तीनों में आपको कैपिटल लेटर ई का यूज करना है, इन दोनों में आपको कैपिटल लेटर ई का यूज करना है, इंजन में आपको स्मॉल लेटर ई का यूज करना है, यहाँ पे स्मॉल लेटर ई लिखना है आपको। ठीक है, नाउ सेकंड पिक्चर इज, आपको कौन सी पिक्चर नजर आ रही है, ये फ्लावर, ठीक है, फ्लावर नजर आ रहा है, तो F4 होता है फ्लावर। तो अभी हमने आपका पेज टर्न करिए, अभी हमने ये रीड किया है फ्लावर, तो क्या होता है F4
फ्लावर, यस। तो अभी हम वापस पेज टर्न करेंगे और अपनी स्पेलिंग को यहाँ पे केयरफुली कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको एफ ड्रॉ करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर एफ ड्रॉ करना है और उस स्पेलिंग को लर्न भी करना है और उसको बोलना भी है। एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल, ठीक है। अब आती है आपकी सेकेंड नेक्स्ट पिक्चर। ये यहाँ पर भी आपको फाउंटेन है तो आपको यहाँ पर एफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जब एफ आप ड्रॉ करोगे तो आपकी पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। और उस वाली स्पेलिंग को हम कैसे बोलेंगे, कैसे से करेंगे, लुक एट हियर, एफ ओ यू एन टी ए आई एन, फाउंटेन। ओके, नाउ लास्ट पिक्चर इज फिश। यह हमें फिश की पिक्चर दिखाई दे रही है। इसकी स्पेलिंग करने के लिए हमें यहाँ पर एफ ड्रॉ करना है। एफ ड्रॉ करते ही आपकी पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। आप उसे कैसे बोलेंगे, एफ आई एफ एच, फिश। फिश मीन मछली। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर ई ड्रॉ करना है, यहाँ पर भी आपको कैपिटल लेटर ई ड्रॉ करना है, यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर ई ड्रॉ करना है, लेटर एफ एंड लेटर एफ। ओके, आपका ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये मैं आपको इवनिंग को सेंड करना है। नाउ आपके आपके फन हैंड्स बुक है, टेक आउट योर फन हैंड्स बुक, जो कि आपकी राइटिंग बुक है, एंड सी पेज नंबर। आपको पेज नंबर 12 निकालना है। ओके, ठीक है। आपका इसमें क्या दे रखा है, हमें हमारा आज का ई, कैपिटल लेटर ई स्मॉल लेटर ई कंप्लीट करना है, ठीक है, बोथ साइड्स। ओके, टर्न योर पेज, कैपिटल लेटर एफ एंड स्मॉल लेटर एफ आपको कंप्लीट करना है बोथ साइड्स। ओके, आई होप गाइस आप लोग इंटरेस्ट के साथ मैम को सुनते हो, मैम को देखते हो, मैम का कैसे आपको रीड करा रही, कैसे आपको सिखा रही हो आप देखते हो, आपका वर्क भी आप इसी तरीके से कंप्लीट करो, मैम को इवनिंग टाइम को सेंड किया करो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।